हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फ्रेंडली। माय नेम इज संजना सिंह। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वाटर बजट इक्वेशन के बारे में। लेकिन वाटर बजट इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। फर्स्ट थिंग इज कैचमेंट एरिया। जैसे ये नाम से आपको समझ में आ रहा है, कैचमेंट एरिया मतलब कि किसी रेनफॉल को कैच करने वाला एरिया जिसको हम बोल सकते हैं। इसका और भी नाम है जैसे कि ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन भी इसको बोलते हैं। इसको वाटर शेड भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन वाटर शेड भी बोलते हैं, या ड्रेनेज एरिया भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे नाम है इसके, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ कम्स इनटू अ रिवर। अब रिवर में कहीं ना कहीं से आपको पता है कि आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां से रिवर में पानी आता है। तो एक पर्टिकुलर रिवर के किसी स्ट्रीम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें तो जितना एरिया वो कंट्रीब्यूट करता है, जहां जहां का पानी आके रिवर में मिलता है उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया होता क्या है, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, कि थोड़ा सा लीव्स की तरीके से दिखता है ये। तो ये आपका कोई भी एक सरफेस है, ये आपका सरफेस है। आप ऊपर से अगर जमीन को देख रहे हैं तो ये आपकी ये पूरी कोई जमीन की एक सरफेस है। यहाँ पे आपकी कोई स्ट्रीम है जो फ्लो कर रही है। तो कैचमेंट एरिया का क्या मतलब है कि इस पूरे एरिया में कहीं भी अगर पानी गिरता है, किसी भी पॉइंट पे अगर पानी गिरता है रेनफॉल के थ्रू, तो वो पानी रन ऑफ होकर मूव होके किसी न किसी रास्ते से, स्मॉल स्मॉल चैनल्स के थ्रू किसी न किसी रास्ते से होता हुआ ये पानी, कहीं ना कहीं से होता हुआ ये पानी इस नदी में आएगा या इस स्ट्रीम में आएगा और यहाँ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आउटलेट से बाहर। तो कहने का मतलब है किसी रिवर के या किसी स्ट्रीम के पर्टिकुलर आउटलेट पे जो पानी निकलता है वो कितने एरिया से निकल रहा है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या, एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ कम्स इनटू अ रिवर। अब जहां से सारा रन ऑफ होके इस रिवर में आता है उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। अब होता क्या है, जैसे कि अगर हम सामने से देखें, ये तो हमारा ऊपर का व्यू है, टॉप व्यू है, अगर हम सामने से देखें तो हमारे जो अर्थ सरफेस है आप देखते हैं बहुत सारे इसमें कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, इस तरीके से पूरा सरफेस बना हुआ है। मान लीजिए ये आपकी कोई रिवर है। अब यहां कोई बारिश हुई या 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 यहां कोई बारिश हुई, ये पर्टिकुलरली पूरा एरिया मतलब ये ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, तो पर्टिकुलर एरिया ये पीछे तक जो फैला हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी पानी बरस रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट नीचे है, तो पानी क्या करेगा, मूव करेगा इधर की तरफ और आके इस स्ट्रीम में मिल जाएगा। ये पानी मूव करेगा आके इस स्ट्रीम में मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है, ये जो रिज होती है, रिज यानी हाईएस्ट एलिवेशन वाली जो लाइन होती है रिज, यही इस कैचमेंट एरिया को डिवाइड करती है। तो इस रिवर के लिए जो हमारा कैचमेंट एरिया है वो क्या है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना भी पानी, जो भी पानी गिरेगा वो आके इस रिवर में आएगा। एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ, यहाँ का जो रन ऑफ है कम्स इनटू अ रिवर, इस रिवर में आएगा। तो हम इस एरिया को कैचमेंट एरिया बोलेंगे इस रिवर का, या हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग
इनटू अ रिवर, ठीक है। तो या वो एरिया जो किसी रिवर में ड्रेन कर रहा है, यानी सारा पानी अपने रिवर में छोड़ रहा है, या एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ कम्स इनटू रिवर, दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब साफ और साफ इतना है कि जितना भी उस एरिया का पानी होगा वो एक पर्टिकुलर रिवर या पर्टिकुलर स्ट्रीम के किसी आउटलेट को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इस पॉइंट ए को, इस पूरे रिवर का जो एरिया है वो इस पॉइंट ए को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस जमीन के किसी भी कोने में, इस वाटर डिवाइड के या इस वाटर शेड के किसी भी कोने में अगर पानी बरसेगा तो वो इस पॉइंट ए से निकलेगा। ये हमारा कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो उसके लिए कैचमेंट एरिया अलग हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से बनाए तो कैचमेंट एरिया अलग हो जाएगा। कैचमेंट एरिया को डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर आप ये देखें तो ये जो आउटर पॉइंट है ना, ये जो आउटर पॉइंट है, ये कैच रेन कभी, अगर मैं इस हाथ में अगर कुछ कैच करना चाहूं तो तभी कैच कर पाऊंगी जब आउटर वाला पॉइंट ऊंचा हो और अंदर वाला पॉइंट नीचा हो। तो ये जो इतना भी आउटर वाला पॉइंट है ना, ये हमेशा रिज पे होगा, यानी ऊंचाई पे होगा। ये सारा आउटर वाला जो पॉइंट है वो ऊंचाई पे होगा, ये अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स है वो नीचे होंगे, तभी यहाँ का पानी मूव करके इधर आ पाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो वाटर जो आउटर है इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड क्योंकि ये वाटर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ के वाटर को इधर नहीं पहुंचने दे रहा है, इधर के वाटर को इधर नहीं पहुंचने दे रहा है। तो यही है जो वाटर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इस आउटर लाइन को वाटर डिवाइड या डिवाइड बोलते हैं। और ये जो आउटर एलिवेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रिज, ठीक है। तो रिज के थ्रू हमारा कैचमेंट एरिया डिवाइड होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर बजट इक्वेशन। आप इसको एक बार देख लें, सामने से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा और ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वाटर बजट इक्वेशन पे। जैसा कि हमारे घर का बजट होता है, तो हमारे घर का बजट में क्या होता है कि हमको कितनी सैलरी मिली, हमने कहाँ कहाँ खर्च की और कितना बचा, इस टाइप से हम वाटर मतलब अपने घर का बजट बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम वाटर का बजट बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वाटर कितना कहीं पे भी जिस सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस सर्फेस पे कितना आया, उस सर्फेस से कितना गया और उस सर्फेस पे कितना बचा। तो वाटर बजट इक्वेशन अगर हमको लिखना हो तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, मास ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस मास ऑफ आउटफ्लो वाटर इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज मास, ठीक है। अगर डेंसिटी सेम है वाटर की हर जगह, डेंसिटी इज सेम ऑल ओवर, तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज वॉल्यूम। ये हमारी वाटर बजट की जनरल इक्वेशन है। अगर हम किसी भी वाटर बजट को लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इनफ्लो यानी कितना आया और कितना गया और कितना बचा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मास के फॉर्म में लिखना हो तो मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना हो तो वॉल्यूम के फॉर्म में। अब हम पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए देखना है कि वाटर बजट इक्वेशन क्या है, बजट इक्वेशन फॉर कैचमेंट, कैचमेंट एरिया भी मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। कैचमेंट के लिए अगर हमको वाटर बजट इक्वेशन देखनी है तो क्या होगा,
इनफ्लो यानी कि किसी भी कैचमेंट में पानी आने का क्या तरीका है, किसी भी कैचमेंट में पानी आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ है प्रेसिपिटेशन। और पानी जाने का क्या क्या तरीका है, पानी अगर किसी कैचमेंट से जाएगा तो यानी अगर इवेपोरेशन होगा तो वहां का पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो वो चला जाएगा। उसके अलावा पानी कैसे जाएगा, रन ऑफ अगर हो गया, अगर रन ऑफ हो गया तो कैचमेंट का सारा पानी क्या हुआ, बारिश के बाद सारा पानी बह के आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी हमारा लॉस हुआ। इनफ्लो हुआ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉस। और ग्राउंड वाटर फ्लो यानी ग्राउंड वाटर अगर मान लीजिए जो जितना भी पानी बरसा वो इनफिल्ट्रेट हो गया, इनफिल्ट्रेट होने के बाद ये पानी ग्राउंड वाटर के थ्रू कैचमेंट से चला गया तो ग्राउंड वाटर आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। यानी हो गया ये कि इतना पानी जो हमारे प्लस में ये रहेगा, माइनस में जितने भी लॉसेज हो रहे हैं वो माइनस में, इज इक्वल टू डेल्टा एस। इस तरीके से किसी भी सर्फेस के लिए आपको निकालना है, मान लीजिए आपको वाटर बॉडीज के लिए निकालना है, वाटर बॉडीज, अगर वाटर बॉडीज के लिए निकालना है तो वाटर बॉडीज में क्या होता है, हमेशा पानी आता रहता है तो हम एक इनफ्लो कंसीडर कर रहे हैं, प्लस वाटर बॉडीज में पानी बढ़ाने का तरीका यानी प्लस में अगर क्या रहेगा, वाटर बॉडीज में पानी अगर आ रहा है तो प्लस में प्रेसिपिटेशन रहेगा। और लॉस किन किन चीजों से होगा, किसी भी वाटर सर्फेस में पानी आने का तरीका क्या है, इनफ्लो पहली चीज, दूसरा प्रेसिपिटेशन, वाटर बॉडीज में लॉस होने का तरीका क्या है, इवेपोरेशन, आउटफ्लो। और वाटर बॉडीज में लॉस किसकी वजह से होगा, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो अगर हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर की वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर इनफ्लो हुआ तो ग्राउंड वाटर इनफ्लो को हम प्लस में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। ठीक है, तो हमको अगर किसी भी सिस्टम के लिए पूछा जाए कि इस सिस्टम के लिए आप बताइए वाटर बजट इक्वेशन बना के, तो इस सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो जैसे वाटर के लिए देख रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वाटर बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है। अब कैचमेंट वाटर बॉडीज में अगर पानी वाटर बॉडीज का पानी बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है इनफ्लो से बढ़ेगा और प्रेसिपिटेशन से बढ़ेगा, लॉस किस किस से होगा, इवेपोरेशन का लॉस होगा, आउटफ्लो होगा, और कोई लॉस होने का तरीका नहीं। अगर ग्राउंड वाटर फ्लो इनफिल्ट्रेट हो जाता है तो भी नदी का पानी हमारा लॉस हो जाएगा, आउट अगर गया। इसी तरीके से अगर ग्राउंड वाटर फ्लो अगर नदी में आ जाता है या किसी स्ट्रीम में आ जाता है इधर उधर से तो वो प्लस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कैच प्लस में, कैच इज माइनस में, इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, तो कैसा भी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको किसी भी सरफेस का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको अपने घर के गमले का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि गमले में अगर हमने छत पे रख दिया तो बारिश का पानी इनफ्लो हो गया और जो बोल से पानी निकला वो आउटफ्लो हो गया, उसके अलावा जो इवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ वो भी आउटफ्लो हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या इनफ्लो में टर्म्स है, क्या क्या आउटफ्लो में टर्म्स है। उसके लिए आपको इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि आप ये इक्वेशन याद करें या दूसरी इक्वेशन याद करें, आप कैचमेंट वाली इक्वेशन ये याद कर सकते हैं चाहे तो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है कैचमेंट क्या होता है और कैचमेंट में क्या चीजें इनमें होती है, क्या चीजें आउट होती है।